हाय फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इकबाल आपका चाचा दोस्त और होस्ट। आज मैं बनाने वाला हूँ बटर मिल्क चिकन। आपने कई जगह देखा होगा केएफसी चिकन बनता है, फ्राइड चिकन बनता है, पर ये थोड़ा अनोखा है जो हम आज बनाएंगे और आपको बताऊंगा मैं कैसे बनाते हैं। मेरे पास 1 किलो चिकन है। मैंने 1 किलो चिकन के लिए बटर मिल्क बनाना है। सबसे पहले हमने दही लेना है, नॉर्मल दही, जो पैकेट वाला हो या डब्बे वाला हो। दही हम डालेंगे 5 चम्मच और इस पर हम डालेंगे 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, और हमने इसमें डालना है धनिया का पत्ता हरे वाली। जो हमारा बटर मिल्क बनेगा ये मसाले वाला बटर मिल्क बनेगा। इस पर हमने डालना है 2 टुकड़ा हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा जो मैंने इसमें डाल रहा हूँ ये मसाले के लिए, और मैंने इसमें डालूँगा 5 से 6 करी पत्ते। अब ये बटर मिल्क बनाना है। हमने हो गया तैयार। अब हम चिकन को चाकू के नोक से थोड़ा घोप देंगे ताकि उसके अंदर बटर मिल्क जाएगा। अब हम इस तरह आप पूरे पीसेस को थोड़ा 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 ऐसे, ताकि इसके अंदर भी जो दही का और जो बटर मिल्क का जो मिश्रण है वो उसके अंदर जाएगा और उसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब इस बोल पे हमने इन चिकन को रखना है। अब ये बटर मिल्क इस पर डालना है। मसालेदार बटर मिल्क। अब ये बटर मिल्क के अंदर पूरा चिकन को हमने डुबो के रखना है ताकि जो बटर मिल्क है वो चिकन के हर रेशे में घुस जाना चाहिए। इसको अच्छी तरह से डुबाना है ताकि ये पूरा ऑब्जर्व कर ले, और जो इसमें फ्रेश कोरिएंडर है, करी लीव्स है और हरी मिर्ची है, जो इसका फ्लेवर है ये पूरा उसके अंदर जाना चाहिए। अब ये मैरिनेशन को हमें 2 घंटा रखना चाहिए, मिनिमम 2 घंटा, ताकि इसमें कोई स्पाइसी नहीं है, ये ओनली बटर मिल्क है। ये थोड़ी देर टाइम में नहीं होता, मिनिमम 2 घंटा आपको लगेगा। ये आप इसको एक ढक्कन लगाइए और साइड में रख दीजिए। और इसके साथ हमने देना है पोटैटो वेजेस। फ्राई बनाने के लिए हमने मीडियम साइज का आलू रखा है, उसको कट किया है वेजेस स्टाइल में, और इस पर नमक डाला हुआ है, दूसरा कुछ नहीं किया है। अब ये पानी बॉयल हो चुका है, मैंने इसमें इस आलू को ब्लांच करना है। चार से पाँच मिनट सिर्फ ब्लांच करना है, उसके बाद इसको निकालना है जाली में, फिर इसको फ्राई करना है। पाँच मिनट हो चुका है, आलू हमारा ब्लांच हो चुका है। अब मैं इसको स्ट्रेन करता हूँ। मैरिनेट होके 2 घंटा हो चुका है। अब हम उसको क्रमिंग करना है। ये कॉर्नफ्लोर है और ये है मैदा। अब इसके अंदर हमने डालना है नमक 1 चम्मच और 1 चम्मच कूटा हुआ काली मिर्च, ताकि थोड़ा स्पाइसी लगने के लिए। और अगर आप चाहें तो इसमें ऑरिगैनो चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, क्योंकि हम इंडियन लोगों को थोड़ा स्पाइसी का ज़रूरत रहता है, और इसलिए हम अगर चाहें तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। सूखा थोड़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देना, ताकि जो मसाला हमने इसमें दिया है, ब्लैक पेपर और सॉल्ट और चिली फ्लेक्स जो भी है, इनको अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर इसके बाद जो चिकन हमने मैरिनेशन करके उसमें रखा हुआ है वो इसमें एक एक पीस डालना है।
मैरिनेटेड तैयार। अब ये हम जो मैदा और कॉर्नफ्लोर हमने मिक्स करके रखा है ये इस पर डिप करना है ऐसा, इसको धीरे धीरे से इस पर लपट देना है ताकि पूरा अच्छी तरह से ये कवर होना चाहिए। जब ये फ्राई होएगा तो फिर बन जाएगा खाने लायक। ये अच्छी तरह से इसको पूरा कवर करना है हमने ऐसा, ये देखो। इसी तरह पूरे चिकन को हमने इन डस्टिंग करना है और सेम ऐसे ही। चिकन हमने जो क्रम करके कोटिंग करके रखा हुआ है ये फ्राई करना है अभी। इसको धीरे धीरे अपने एक 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 पीसेस डाल देना है ऑयल के अंदर। ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्लो होना चाहिए ताकि चिकन अंदर का भी पक जाए स्लो फ्लेम में। फ्राई हो रहा है बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन कलर, एकदम यम्मी, अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची। इस चीज़ में कुछ ना कुछ तो है। आप ये रेसिपी नोट कीजिए और इसी तरह आप भी बनाएं और अपने फैमिली को खिलाएं और ख़ास करके आपके बच्चों के लिए आप ये बनाएं ताकि बच्चे स्कूल से आने के बाद जिद करते हैं कि हमें बाहर लेके चलो, KFC में लेके चलो, मैकडोनल्ड में लेके चलो। लेकिन आप घर पे भी बना सकते हैं इस रेसिपी। ये देखिए कलर कैसा है, बेहतरीन कलर। जो टेस्ट आपके दिल पे लगेगा ना वो कभी नहीं छूटेगा आपके मुंह से। अब शांति, मुंह से तो पानी आ रहा है। पोटैटो वेरियस इसको स्लो फ्लेम में हमने फ्राई करना है, क्रिस्पी फ्राई करना है, अच्छी तरह से क्रिस्पी होना चाहिए। पोटैटो फ्राई हो रहा है, ये धीरे 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 पकेगा, अंदर का एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और बाहर से गोल्डन कलर आएगा और क्रिस्पी हो जाएगा ये। अब ये पोटैटो पक चुका है, आप देख सकते होंगे कि ये ऊपर आ गया। जब पहले हमने डाला था ये कच्चा था नीचे, अब ये कढ़ाई से ऑयल के ऊपर आ चुका है और थोड़ा टाइम लगेगा ये अच्छी तरह से पकने के लिए, स्लो फ्लेम में पक जाता है। पोटैटो वेजेस हो गया तैयार। अब इसको हम निकालते थे एक पेपर वाले प्लेट में। अब ये रहेगा ऐसा, ये एक कॉम्बो जैसे है। आप अपने घर पे भी बनाएं और अपने बच्चों के लिए भी बनाएं। चिकन रेडी, पोटैटो वेजेस भी रेडी। ये आ गया एक और एक, ये हमने ऐसा रखा। साथ में मायोनेस
और गार्लिक चिली टमाटो सॉस का डिप आप ऐसा डिप करें और ऐसा खाएं।